ऑल राइट गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास सैमसंग 313 फ़ोन आया है, वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में। तो आज हम आपको सही से समझाएंगे कि सीपीयू का प्रॉब्लम है या फिर अदरवाइज और प्रॉब्लम है। तो वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। हमें काफ़ी लोगों की कॉमेंट भी आ रही थी कि आप सैमसंग 1200, 310, 313 पे वीडियो बनाइए। तो आज हमारे पास ऐसा फ़ोन आ चुका है, तो आज हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको चेक करवाते हैं, हमने यहाँ पे चार्जिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है और एम्पियर मीटर में चेक करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 0.2 या 0.1 की रीडिंग आ रही है। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया, तो यहाँ पे हमारी कुछ इस तरीके की रीडिंग आ रही है। तो हमने यहाँ पे बैक पैनल को ओपन करके रखा ही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बोर्ड को बाहर निकालना है और मेन चीज़ आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि आपकी जो डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले है दोस्तों, वो डिस्प्ले को आपको चेक करना है वाटर डैमेज है कि नहीं, पहला तरीका बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको चार्जिंग जैक चेक करना है कि वहीं पे कहीं वाटर डैमेज है कि नहीं। अगर यहाँ पे भी वाटर डैमेज नहीं है, उसके बाद आपको यहाँ पे सील्ड को रिमूव करना है। और अभी हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर लेते हैं और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग है कि नहीं या फिर लीकेज की प्रॉब्लम है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारी एक रीडिंग आके चली गई है और दूसरी साइड कितनी आ रही है, 400 के आसपास रीडिंग आ रही है। मतलब कि हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है और लीकेज की भी नहीं है। तो देख लिया हमने, यहाँ पे जैक को चेक कर लिया, हमारा जैक भी सही है। उसके बाद हमें देखिए डायोड और दो कैपेसिटर है, ये वाला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, हमें इसको सही से देखना है। तो अभी हम यहाँ पे कैपेसिटर को चेक करते हैं और एक प्रूफ ग्राउंड रखते हैं। तो एक साइड बीप आ रही है, एक साइड वैल्यू आ रही है, हमारा दोनों कैपेसिटर सही है। तो अभी हम डायोड को चेक करते हैं। तो भाई डायोड को चेक करने के लिए हमारी एक साइड एक ही वैल्यू आएगी और दूसरी साइड देखिए 100 से कम आएगी तो भी हमारा डायोड ख़राब है और 900 से ज़्यादा आई तो भी ख़राब है। तो अभी हमारा यहाँ पर डायोड ओके दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पर आपको चेक करना है, देखिए एक कैपेसिटर है, दो डायोड है और ये वाला जो मेन जो लाइन दिख रहे हो कैपेसिटर, इसको भी आपको खास चेक करना है और ये वाला कैपेसिटर को भी चेक करना है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे रेड को ग्राउंड रखते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी शॉर्टिंग दिखाई नहीं दे रहा है कैपेसिटर। और अभी हम डायोड को भी चेक करते हैं क्योंकि डायोड आपका लीकेज हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है डेड की। तो देख लेते हैं कि हमारा डायोड लीकेज है कि नहीं। तो देखिए अभी हमारी डायोड में भी कोई हमें लीकेज दिखाई नहीं दे रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पे कैपेसिटर है उसको चेक करते हैं। तो देखिए अभी हमारा दूसरा वाला कैपेसिटर है दोस्तों, वो शॉर्ट दिखा रहा है पहला। तो अभी हम और भी देख लेते हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा है हमें शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। क्योंकि जो आपकी सैमसंग 1200, 310 ये सब फ़ोन आते हैं, वो सीपीयू के आजू बाजू में जो कैपेसिटर है उसको आपको खास चेक करना होता है। अगर ये आपकी शॉर्ट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अगर मैं आपको सीपीयू की प्रॉब्लम होगी वो भी हम आपको आगे बताते हैं। तो अभी मैं एक बार आपको चेक करते कि क्या हमारा फ़ोन जो डेड कंडीशन में था वो ठीक हुआ है कि नहीं, उसके बाद हम आपको डीसी में भी बताएंगे कि सीपीयू की प्रॉब्लम होगी तो हम कैसे पता चलेगा। तो एक बार हम चार्जिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो वेट कीजिए थोड़ी देर, हम इसको बैटरी को फिर से कनेक्ट करते हैं सही से। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। मतलब कि हमारी जो भी था वो हमारा कैपेसिटर में था। तो वो कैपेसिटर कौन सा है वो चेक करने के लिए आपको सारी ट्रेसिंग करनी पड़ती है, जो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। हमने सीधा यहाँ पे काम नहीं किया, हमने आगे वाला सब सेक्शन है, डायोड है, कैपेसिटर है, उन सबको चेक किया, वहाँ हमें कोई भी फॉल्ट नहीं दिखा, उसके बाद ही हमने यहाँ पर काम किया है। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। अभी सीपीयू की बात करता हूँ मैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया होगा और अभी हम जैसे ही पावर को प्रेस करेंगे हमारा एम्पियर 20, 10 या 25 या 30 इस तरह के कुछ रीडिंग लेता है। और जैसे आप पावर को रिलीज़ कर देते हो उसके बाद 0-0 हो जाता है या फिर 0-0 हो जाता है। और दूसरा जो मेन होता है वो आपकी रीडिंग होता है 3, 4, 5, 0.10 के आसपास ही रहती है उसकी कुछ भी रीडिंग। उसके बाद पावर की को रिलीज़ करते हो फिर 0-0 हो जाती है। तो उस केस में आपको सीपीयू को रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, 99% आपको सीपीयू को रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको इसके बारे में समझ गए होंगे कि सीपीयू की जो प्रॉब्लम होगी वो उसको कैसे पहचाने।
तो इस फ़ोन में सीपीयू की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर 0.5 एम्पियर 0.6 एम्पियर 0.9 एम्पियर वही केस ज़्यादा आता है। जैसे ही पावर को रिलीज़ करते हो फिर 0.0 हो जाता है। तो इसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और हमारा जो डेड फोन था वो कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।